हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक पॉइंट पर। और मैं हूं नितिन गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूं NPTEL NCER के असाइनमेंट नंबर 10 के सॉल्यूशन के बारे में। सो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका NCER का एक्सटर्नल पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। और गाइस, यहां पे मैंने आपके साथ जो क्वेश्चंस के आंसर शेयर किए हैं वो NPTEL के ऑफिशियल आंसर की से लिए गए हैं। सो गाइस, यहां पे जो सारे आंसर्स हैं वो 100% एक्यूरेट हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सारे एक्यूरेट आंसर्स। सो गाइस, असाइनमेंट नंबर 10 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बैटरीज डैट हैव द सेम वोल्टेज यूज द सेम रिएक्टेंट्स इंटरनली। सो गाइस, इसका जो एक्सेप्टेड आंसर है वो फॉल्स है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बैटरीज हेल्प इन मॉडरेटिंग द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई अक्रॉस द डे बाय स्टोरिंग एंड रिलीजिंग एनर्जी एज रिक्वायर्ड। सो गाइस, इसका जो एक्सेप्टेड आंसर है वो ट्रू है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्राइमरी बैटरीज कैन बी रिचार्ज सेवरल हंड्रेड टाइम्स टिपिकली। गाइस, इसका जो एक्सेप्टेड आंसर है वो फॉल्स है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स मस्ट हैव गुड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्किट एंड इनेबल द बैटरी टू फंक्शन। सो गाइस, इसका जो एक्सेप्टेड आंसर है वो फॉल्स है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द इलेक्ट्रोड रिएक्शन डैट अकर ड्यूरिंग डिस्चार्ज आर रिवर्स्ड ड्यूरिंग रिचार्जिंग इन ए सेकेंडरी बैटरी। सो गाइस, इसका जो एक्सेप्टेड आंसर है वो ट्रू है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज सेट टू बी 0 वोल्ट आर्बिट्रेली। सो गाइस, इसका जो एक्सेप्टेड आंसर है वो ट्रू है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लिथियम मेटल वॉज यूज एज द एनोड इन अर्ली वर्जन ऑफ रिचार्जेबल लिथियम बेस्ड बैटरीज। सो गाइस, इसका जो एक्सेप्टेड आंसर है वो ट्रू है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन बैटरीज ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज एंड साइजेस आर ईच डिस्चार्ज फ्रॉम देयर फुली चार्ज स्टेट यूजिंग C/5 रेट दे टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू डिस्चार्ज। सो गाइस, इसका जो एक्सेप्टेड आंसर है वो ट्रू है। गाइस, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चार्जिंग एट 6C रेट मीन्स ए फुली डिस्चार्ज बैटरी विल बी चार्ज इन डैश मिनट। सो गाइस, यहाँ पे जो फिल इन ब्लैक्स में आपको जो आंसर भरना है उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 10 है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ ए सेल हैज एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 1.5 वोल्ट एंड 6 ऑफ दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज डैश वोल्ट। सो गाइस, यहाँ पे जो एक्सेप्टेड आंसर है वो 1.5 है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए AKTU से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नाउ, प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।